हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीपी क्लासेस। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा मैक्रो इकोनॉमिक की सीरीज चल रही है जिसमें हम पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स कवर करने वाले हैं। इससे पहले 3-4 वीडियोस बन चुके हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, जिसमें मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपसे बात कर चुका हूँ। ठीक है, वो वीडियोज आप जरूर जाकर देख लीजिएगा अगर आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता। ठीक है, आज की वीडियो में आपसे बात करूंगा कि फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। सो वीडियो एंड तक देखते रहिएगा सो दैट आपको फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में पता लग जाए। मेरा नाम है विजय एंड आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सीपी क्लासेस। फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? फाइनल गुड्स वो होते हैं बेसिकली विच आर यूज फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के लिए जिन गुड्स का इस्तेमाल होता है वो होते हैं फाइनल गुड्स। जैसे अब इसका क्या मतलब है, जो कंजम्पशन के लिए यूज होते हैं उनको हम बोलते हैं कंज्यूमर फाइनल गुड्स, यानी कि जिन्हें हाउस होल्ड यूज कर लेते हैं डायरेक्टली, और इन्वेस्टमेंट करने के लिए कौन यूज करेगा? प्रोड्यूसर्स। तो वो गुड्स जिनको हाउस होल्ड यूज करते हैं डायरेक्टली दे आर कॉल्ड कंज्यूमर फाइनल गुड्स, और वो गुड्स जिनको प्रोड्यूसर्स यूज करते हैं फाइनली डायरेक्टली दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स फाइनल गुड्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं, जैसे हम लोग घर में अपना मिल्क लाते हैं परचेज करके, या ब्रेड लाते हैं, बटर लाते हैं, एंड वी डायरेक्टली यूज देम, लाया और कंज्यूम कर लिया। बिल्कुल ऐसे ही बिजनेसमैन क्या करता है, उसने कोई मशीन खरीदी, उस मशीन को वो यूज करेगा डायरेक्टली लाने के बाद, यानी कि उसने परचेज करी और वो मशीन अपने बिजनेस में यूज करनी शुरू कर दी। तो कंज्यूमर हाउस होल्ड क्या करते हैं? खाना पीना, कपड़ा, रहना, ये सारी चीजें जो हम लोग यूज करते हैं अपने इस्तेमाल के लिए डायरेक्टली दे आर कंज्यूमर फाइनल गुड्स। प्रोड्यूसर जो चीजें यूज करेगा डायरेक्टली फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस, या उसको आप कैपिटल फॉर्मेशन भी बोल सकते हो, दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर फाइनल गुड्स। ठीक है, वेयर एज इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं? जिनका इस्तेमाल मैं या तो रीसेल करने के लिए करूंगा, या जिसका इस्तेमाल मैं फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए करूंगा। यानी कि अगर एक कार का शोरूम है और उसके अंदर गाड़ियां रखी हुई है, ऑफकोर्स वो बेचने के लिए है, यानी कि वो रीसेल करने के लिए है, तो वो जो कार है उस शोरूम के अंदर वो इंटरमीडिएट गुड्स में काउंट होंगी। बिकॉज डेफिनेशन क्या कहती है, या तो रीसेल के लिए हो। अब हमारे वाले एग्जाम्पल में है कि कार जो है वो रीसेल के लिए रखी है उस डीलर ने अपने शोरूम के अंदर, सो दे वुड बी टर्म्ड एज इंटरमीडिएट, और दे आर यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर। ऐसी कोई चीज जो मैं प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहा हूं अपनी फैक्ट्री में, अपने बिजनेस में, वो भी इंटरमीडिएट गुड की कैटेगरी में आएगी। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं आपको, जो स्वीट शॉप वाले होते हैं, जो हलवाई होता है बेसिकली, वो दूध वगैरह इस्तेमाल करता है बहुत सारी मिठाइयां बनाने के लिए, दूध से वो पनीर भी बनाता है। सो दूध जो होगा, क्योंकि वो फर्दर प्रोडक्शन में इस्तेमाल हो रहा है, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा, ना कि वो फाइनल गुड कहलाएगा। वही दूध, वही मिल्क हम अपने घर में जब लाते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो वो फाइनल गुड बनता है, क्योंकि हमने उसको डायरेक्टली कंज्यूम कर लिया। ठीक है जी, तो पहला डिफरेंस समझ में आ गया। फाइनल गुड्स वो होते हैं जिनको हम खरीदते हैं एंड वी कंज्यूम देम, या तो उन्हें हाउस होल्ड परचेज करें, या वो एक बिजनेसमैन परचेज करे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, एज एन इन्वेस्टमेंट। वेयर एज इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जिनको आप या तो रीसेल करने के लिए परचेज करोगे, या आप फर्दर प्रोडक्शन में उनका इस्तेमाल करोगे इन द सेम ईयर। अब देखिए यहां पर शब्द दिखाता है इन द सेम ईयर, ये क्या चीज है? इन द सेम ईयर का मतलब है आपने कोई इंटरमीडिएट गुड परचेज करा और वो गुड एट द एंड ऑफ द ईयर तक बचा हुआ है, यानी कि विद इन द सेम ईयर आपने उसको यूज नहीं किया, तो वो गुड इंटरमीडिएट काउंट नहीं होगा, तब वो फाइनल गुड की कैटेगरी में काउंट होगा। सो एनी इंटरमीडिएट गुड इफ इट इज नॉट यूज विद इन द सेम ईयर देन इट विल बी टेकन एज फाइनल गुड, तब वो इंटरमीडिएट गुड नहीं रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल वाला पॉइंट एक बार दोबारा देख लेते हैं। फाइनल गुड्स में एग्जाम्पल थे मिल्क होगी, कार, ब्रेड, मशीन, बिल्डिंग एक्सेट्रा, जबकि इंटरमीडिएट में ब्रेड फॉर टोस्ट बाय द शॉपकीपर, एक दुकानदार जो टोस्ट बना रहा है, बेच रहा है, उसको उसने जो ब्रेड इस्तेमाल करी, उसने जो आलू भरा उसके अंदर, वो इंटरमीडिएट है, उसके इस्तेमाल से वो चीजें बनाकर बेच रहा है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। फाइनल गुड्स वो होते हैं जिसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं करना, यानी कि
आपने वो प्रोडक्ट लिया और आपने डायरेक्टली यूज कर लिया, उसमें आपने कोई भी चेंजेस नहीं करे। जबकि जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं उसके अंदर हम कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन करते हैं। जैसे ब्रेड वाला एग्जाम्पल है, ब्रेड को उसने परचेज किया, उस ब्रेड को उसने टोस्ट में कन्वर्ट किया, तब उसने मार्केट में बेचा, यानी कि उसमें उसने कुछ वैल्यू एडिशन की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज फाइनल गुड्स को हम डोमेस्टिक में और नेशनल में दोनों में काउंट करेंगे। यानी कि जब हम डोमेस्टिक इनकम निकालते हैं इकोनॉमी की या हम नेशनल इनकम निकालेंगे, तो आपने फाइनल गुड को तो लेना है, मगर इंटरमीडिएट गुड को ना तो डोमेस्टिक इनकम में लेना है ना ही आपने नेशनल इनकम में लेना है। उसके बाद फाइनल गुड जो होते हैं उनकी डिमांड होती है डायरेक्ट डिमांड, जिसके बारे में बात कर रहा हूं मैं। डायरेक्ट डिमांड का मतलब आपने परचेज किया एंड आपने वो यूज करनी शुरू कर दी। आप कार लेकर आए अपने घर में और आपने वो यूज करनी शुरू कर दी, तो उसकी डायरेक्ट डिमांड है। बट जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं उनकी डिमांड डायरेक्ट नहीं होती, उनकी डिमांड होती है डिराइव्ड डिमांड। जैसे अपने वाले एग्जांपल पर चलते हैं, ब्रेड फॉर टोस्ट बाय शॉपकीपर। टोस्ट की कितनी डिमांड है मार्केट में, वो जो शॉपकीपर है उसी के हिसाब से तो ब्रेड परचेज करेगा मॉर्निंग में टोस्ट बनाने के लिए। यानी कि जो ये ब्रेड की डिमांड है ये टोस्ट की डिमांड के ऊपर डिपेंड करती है। इसीलिए जो इंटरमीडिएट गुड है अपने वाले एग्जांपल में, ब्रेड जो है वो इंटरमीडिएट गुड है, तो ब्रेड की जो डिमांड होगी वो टोस्ट की डिमांड पे डिपेंड करेगी, मतलब ब्रेड की डिमांड डिराइव डिमांड है। ओके, नेक्स्ट इज क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री। इसका मतलब होता है जो फाइनल गुड्स होते हैं वो प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर चुके हैं, यानी कि उनमें अब कोई भी फर्दर प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं है, आप उन्हें यूज करते हो डायरेक्टली, यानी कि खरीदा है यू कंज्यूम्ड इट। बल्कि जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, जबकि उनमें क्या होता है वो प्रोडक्शन बाउंड्री के अभी अंदर होते हैं, उनमें कुछ काम, उनमें कुछ प्रोसेसिंग होनी बाकी होती है अभी। तो फाइनल गुड्स प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर चुके हैं, कुछ वैल्यू एडिशन नहीं होना। इंटरमीडिएट गुड्स प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है, अभी उन पर कुछ काम होना बाकी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। एक और पॉइंट है कि जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं उनकी जो वैल्यू होती है वो फाइनल गुड की वैल्यू में इंक्लूड हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल उसने 20 रुपए का ब्रेड खरीदा और उसने उसको टोस्ट बनाकर बेचा, अब वो टोस्ट बेच रहा है, जो वो बेच रहा है 30 रुपीज का टोस्ट, तो जो 30 रुपए का वो टोस्ट बेच रहा है उस टोस्ट के अंदर ब्रेड की वैल्यू भी इंक्लूड है ना। ऑफकोर्स टोस्ट के अंदर ब्रेड की वैल्यू इंक्लूड है, तो इसलिए बोला जाता है कि जो इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू होती है वो फाइनल गुड्स की वैल्यू में मर्ज हो जाती है। हर फाइनल गुड कुछ ना कुछ इंटरमीडिएट गुड्स से बनता है, और जिन इंटरमीडिएट गुड्स से कोई भी प्रोडक्ट तैयार होता है उस इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू उस फाइनल गुड की वैल्यू में 110% इंक्लूड होती है। अब ये कैसे पता लगाया जाए कि कोई प्रोडक्ट इंटरमीडिएट है या कोई प्रोडक्ट फाइनल है? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक ही प्रोडक्ट जो आपके लिए इंटरमीडिएट हो, क्या पता मेरे लिए फाइनल हो। गाड़ी के शोरूम में जो कार खड़ी हुई है वो उस डीलर के लिए इंटरमीडिएट है, बट मैं अपने घर में ले आया परचेज करके, मेरे लिए तो फाइनल हुई। अब ये कैसे पता लगाएं, क्या तरीका है इसको पता लगाने का? तो इसका बड़ा ही सिंपल सा आंसर है, आपको सिर्फ ये देखना है कि उस प्रोडक्ट का एंड यूज क्या होता है। यानी कि कोई भी प्रोडक्ट इंटरमीडिएट या कोई भी प्रोडक्ट फाइनल नहीं होता, उसका एंड यूज आपको बताएगा कि वो प्रोडक्ट फाइनल है या वो प्रोडक्ट इंटरमीडिएट है। अपना वाला एग्जांपल जो हम भी कैरी कर रहे थे, जिसके बारे में बात कर रहा था मैं आपसे, वही लेकर चल रहे थे। ब्रेड जो है, अगर हम अपने घर में ब्रेड ले आए और उसको कंज्यूम करें तो वो फाइनल गुड है, मगर अगर वही ब्रेड एक हलवाई अपनी दुकान पर उससे ब्रेड पकौड़े बनाकर बेचे या उस ब्रेड से वो टोस्ट बनाकर बेचे, तब वो उसके लिए इंटरमीडिएट होगा। राइस अगर हम अपने घर में इस्तेमाल करते हैं ग्रोसरी शॉप से लाकर, तो वो फाइनल गुड है, मगर वही राइस जब वो ग्रोसरी शॉप पर रखा हुआ है वो रीसेल के लिए है, तो वो इंटरमीडिएट गुड बना। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी प्रोडक्ट इंटरमीडिएट या फाइनल नहीं होता, वो सिर्फ उसका एंड यूज बताएगा आपको कि वो प्रोडक्ट आपने इंटरमीडिएट काउंट करना है या वो आपने फाइनल गुड काउंट करना है। चलिए अब फर्दर समझते हैं कि फाइनल गुड्स की क्या क्लासिफिकेशन और होती है। मैंने फाइनल गुड्स की डेफिनेशन बताई थी, तो मैंने बोला था कि फाइनल गुड्स वो होते हैं
जिनको या तो कंज्यूमर यूज करता है डायरेक्टली हम आप, या एक बिजनेसमैन यूज करता है अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट के पर्पज से एज ए कैपिटल फॉर्मेशन को यूज करता है। तो फाइनल गुड्स बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कंज्यूमर गुड्स और एक होते हैं कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स कौन से? जो हाउस होल्ड यूज करते हैं अपने डायरेक्ट कंजम्पशन करने के लिए। उनकी फर्दर कैटेगरीज होती हैं जैसे कि ड्यूरेबल गुड्स, वो जिनकी लाइफ बहुत ज्यादा होती है, 5 साल 10 साल 15 साल, जैसे टीवी फ्रिज, ये सब वो होते हैं जो ड्यूरेबल गुड्स की कैटेगरी में आते हैं। दूसरे होते हैं सेमी ड्यूरेबल क्लॉथ्स, जिनकी लाइफ 1 साल के करीब होती है। कपड़े का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं इसमें, क्लॉथ्स सेमी ड्यूरेबल होते हैं। उसके बाद होता है जी नॉन ड्यूरेबल, वो चीजें हैं जिनको आप पेरिशेबल भी कह सकते हो। कौन सी होती हैं? जो जल्दी खराब हो जाती हैं, जैसे कि मिल्क। उसके बाद है सर्विसेज, बैंकिंग की, ट्रांसपोर्टेशन की, इंश्योरेंस की, ये सारी की सारी चारों की चारों चीजें ये कंज्यूमर गुड्स की कैटेगरी में आती हैं। उसके बाद आता है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स वो होते हैं जो फर्दर प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं एक बिजनेस के अंदर, ठीक है। दे आर यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन अ बिजनेस, लाइक अ मशीन इज अ कैपिटल गुड, बिकॉज एक प्रोड्यूसर मशीन परचेज करेगा और डायरेक्टली अपने बिजनेस में यूज करेगा। किसके लिए? प्रोडक्शन करने के लिए। अब एक खास चीज और, कैपिटल गुड में क्या खास बात होती है? वो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते। अच्छा, एक बारी वापस आपको ना इंटरमीडिएट रूट पर लेकर चलता हूं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि ब्रेड से हम टोस्ट बना रहे हैं या ब्रेड से हम ब्रेड पकौड़ा बनाते हैं। सो ब्रेड से जब ब्रेड पकौड़ा बना तो ब्रेड गायब, यानी कि ब्रेड की आइडेंटिटी खत्म हो गई। तो कहने का मतलब क्या हुआ? जो इंटरमीडिएट गुड होता है उसकी आइडेंटिटी इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन लूज हो जाती है, मतलब वो अपनी आइडेंटिटी खो बैठता है। इंटरमीडिएट गुड्स लूज देयर आइडेंटिटी इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, मगर कैपिटल गुड के केस में क्या होता है? दे डोंट लूज देयर आइडेंटिटी। अब एक प्रोड्यूसर ने एक मशीन परचेज करी, से फॉर एग्जाम्पल बल्ब बनाने के लिए, तो वो मशीन बल्ब बनाती रहेगी या वायर बनाती रहेगी, व्हाटएवर जो भी है उसमें, बट वो मशीन एज इट इज अपनी जगह पर रहेगी। यानी कि वो मशीन प्रोडक्शन तो करती रहेगी मगर उसकी अपनी आइडेंटिटी एज इट इज मशीन की ही रहेगी। सो कैपिटल गुड्स वो होते हैं जो फर्दर प्रोडक्शन में इस्तेमाल होते हैं और उनकी आइडेंटिटी खत्म नहीं होती, फर्दर उनको रिपेयर और रिप्लेसमेंट की भी जरूरत पड़ती है। मशीन जब चलेगी डेफिनेटली उसमें रिपेयर की भी जरूरत पड़ेगी, और कुछ टाइम बाद जब वो खत्म हो जाएगी, बिल्कुल बेकार हो जाएगी, तो फिर हम उसे रिप्लेस कर नई मशीन भी लेंगे। एक और खास बात जो होती है कैपिटल गुड्स के अंदर, वो ये कि उनकी डिराइव डिमांड होती है। जिस मशीन से मैं अपना प्रोडक्ट आज बना रहा हूं उस मशीन की कितनी डिमांड होगी मार्केट में, वो इस चीज पे डिपेंड करती है कि वो मशीन, सॉरी वो प्रोडक्ट जो बन रहा है उस मशीन से, उसकी कितनी डिमांड है मार्केट के अंदर। एक स्वीट शॉप वाला कितना दूध का ऑर्डर देगा वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि उसकी मिठाइयां कितनी बिकती हैं, उसका पनीर कितना बिकता है। पनीर और मिठाइयों की डिमांड ये डिसाइड करेगी कि वो दूध की कितनी डिमांड करता है। सो दूध एक तरह से उसके लिए, दूध की जो डिमांड हुई वो डिराइव डिमांड हुई, ठीक है। सो जो कैपिटल गुड्स होते हैं उनकी डिमांड जो होती है वो डिराइव डिमांड होती है। उनकी डिमांड उस प्रोडक्ट पे डिमांड पे डिपेंड करती है जिस प्रोडक्ट को बनाने में वो कैपिटल गुड या वो मशीन हेल्प करती है। चलिए अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं कि ऑल द प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स बट ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। अब देखिए प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं, बेसिकली दो होते हैं, एक होता है सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड और एक होता है कैपिटल गुड्स। सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स वो होते हैं जिनका इस्तेमाल बार बार नहीं हो सकता, एक ही बार होता है, उनको बोलते हैं सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। जैसे कोल, वुड एक्सेट्रा, उनको आप एक ही बार इस्तेमाल करते हो अपने बिजनेस के अंदर, उनकी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। मगर जो कैपिटल गुड्स होते हैं लाइक मशीन, दे आर बीइंग यूज्ड रिपीटेडली इन द बिजनेस, दे हैव अ लॉन्ग लाइफ। यानी कि ऑल कैपिटल गुड्स तो प्रोड्यूसर गुड्स है, सारे के सारे कैपिटल गुड्स तो प्रोड्यूसर गुड्स की कैटेगरी में आते हैं, मगर सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं है, बिकॉज कुछ प्रोड्यूसर गुड्स सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स भी होते हैं जिनका एक ही बार इस्तेमाल किया जाता है। सो इस एग्जाम्पल से ये प्रूव हो गया कि
सारे कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड होते हैं, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। तो आज के वीडियो में आपसे मैंने पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया कि जी फाइनल गुड क्या होता है, इंटरमीडिएट क्या होता है, फिर फाइनल गुड्स की हमने क्लासिफिकेशन डिस्कस कर ली, कैपिटल गुड पढ़ लिए, और अभी अभी जो क्वेश्चन डिस्कस किया वो भी कवर हो गया। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज का वीडियो, मतलब कि आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से हमारे साथ रहिएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज चल रही है जिसमें आपको रेगुलर वीडियोस मिल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपसे मुलाकात होगी फिर दोबारा से एक नई वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट से कर लो, और लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, उससे हमारा उत्साह बढ़ता है। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सीपी क्लासेस अगेन, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स अ लॉट।